हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अनपैकिंग करेंगे और बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। सदगुरु रुद्राक्ष दीक्षा के हिसाब से ये जो आप देखेंगे जो डिलीवर हुआ है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले डिलीवर हुआ है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी डिलीवर हो गया था, कुछ लोगों को बहुत बाद में मिला। ये क्या था कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सदगुरु ने ऑलमोस्ट फ्री, मतलब ऑन द चैरिटी बेसिस, अगर आपको कुछ भी दान करना है तो आप कर सकते हैं कुछ भी अमाउंट, और वैसे फ्री में भी आप मैक्सिमम 3 रुद्राक्ष तक मंगा सकते हैं। तो इनके थ्रू हमने रुद्राक्ष मंगाए थे और मेरे कई सारे मित्रों ने मंगाए, कुछ हम लोगों को पहले प्राप्त हो गए, कुछ लोगों को बाद में प्राप्त हुए। पर आप जानते हैं कि अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा था और लॉकडाउन और ये सब, तो कारण चीज़ें लेट हुई हैं, और फिर इतने सारे लोगों को इतने सारे रुद्राक्ष प्रोवाइड कराना, वो भी ऑलमोस्ट फ्री में, तो ये एक बड़ी बात होती है। तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और कुछ और चीज़ें रुद्राक्ष के बारे में, कई सारी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग अभिमत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये है फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर रुद्राक्ष दीक्षा शिवाज टीयर्स ऑफ स्टेसी ईफा लाइफ। तो आप ईफा लाइफ में जाके वैसे फुल फ्लेज रुद्राक्ष माला और कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, और देखते हैं इसमें क्या है। हालांकि ये पहले ही खोल लिए गए हैं, तो इनमें सिंबल बना हुआ है, त्रिकोण का सिंबल बना हुआ है और थोड़ा विभूति है, और इनमें ही रुद्राक्ष थे, तो 3 रुद्राक्ष आए हुए थे जो कि विद ब्लैक क्लॉथ कंटेंड थी रुद्राक्ष, और फिर आदियोगी का एक 4x6 का है आई थिंक, तो आदियोगी का एक फोटो है, योगेश्वर आय महादेव आय, रियली ब्यूटीफुल। फिर है इंस्ट्रक्शंस, इसमें रुद्राक्ष है, अभय सूत्र है, ईसा विभूति, विभूति वैसे आप अलग से भी विभूति मंगा सकते हैं जो कि सस्ती आती है, और फिर आप उसे लगा सकते हैं। ये है ब्लैक कलर का है अभय सूत्र, तो आप ऐसे ये अभय सूत्र बांध सकते हैं। और अभय सूत्र के बारे में बात यह है कि आप इसे मिनिमम 40 दिन के लिए 2 पहने ही, और इसे क्या कि काटे नहीं, मतलब इसे या फिर जला दें या फिर खोल करके उतारें और फिर बाद में जला दें, और उसकी जो विभूति हो उसको शरीर में मल लें। हाँ, और ये मेन के लिए राइट हैंड में, वुमेन के लिए लेफ्ट हैंड में पहना जाता है अभय सूत्र। आदियोगी इमेज आप देख सकते हैं, और फिर उसके अलावा जो रुद्राक्ष का चार्जिंग करते हैं रुद्राक्ष की, जैसे कि 5-6 महीने हो गए तो फिर उसके बाद घी में या शहद में डुबो करके रात भर के लिए रख देते हैं रुद्राक्ष। इसमें विभूति थी, अभी भी थोड़ा बहुत विभूति है, बाकी कॉपर मग में भी विभूति आती है, मतलब छोटे कॉपर कंटेनर में ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, तो आप मंगा सकते हैं। तो ये है, तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, और आपको ब्लैक थ्रेड तो रहता ही है, उसके साथ ही आया हुआ है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं और आप पहन सकते हैं। पंचमुखी का मतलब ये हो गया, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो ये लाइन्स हैं, तो ये जैसे कि 5 लाइन्स हैं ओवरऑल, मीन्स अगर ये 5 भागों में विभक्त हो सकता है, 5 लाइन्स हैं, तो इसके कारण ये पंचमुखी हो गया। और उसके अलावा 1 मुखी 2 मुखी कई सारे होते हैं, 2 मुखी भी मैं अभी दिखाई सकता हूँ। ये है 2 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष जो शादीशुदा होते हैं उनके लिए सही होता है, एक जिनको घर बार का भी देखना है और आगे का भी परलोक का भी देखना है, और पंचमुखी सभी के लिए सही होते हैं, किसी को पूछने की ऐसी जरूरत नहीं है, आप पंचमुखी धारण करो। हाँ, 1 मुखी रुद्राक्ष से थोड़ा बचना चाहिए, कहते हैं कि 1 मुखी रुद्राक्ष सबके लिए सही नहीं होता है। 1 मुखी अर्थात वन डायरेक्शन, इट्स नॉट वन डायरेक्शन बैंड, ऑफकोर्स द वन डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसके कारण आपकी फैमिली लाइफ और ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकती हैं, ये ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ना पड़े। कई बार लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं और फिर रुद्राक्ष को दिखावे के चक्कर में, इट्स नॉट ओनली अबाउट द रुद्राक्ष, फिर वो उसके चारों तरफ सोने से कोटिंग करा लेते हैं ये सब चीज़ें, तो वो सब दिखावा है आपको। मनी मेकिंग इज नॉट बैड, मनी मेकिंग इज गुड, बट रुद्राक्ष के साथ सही नहीं है, आपको अलग से पहनना, अलग से होने की चैन पहनो आप। और फिर रुद्राक्ष एक जैसे रुद्राक्ष अर्थात टीयर्स ऑफ स्टेसी फ्रॉम द लॉर्ड शिवा, तो ये एक रिमाइंडर है कि आप जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो या जो भी क्रियाकलाप कर रहे हो, भाई वो तो सभी करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है तो यहाँ लगी ही रहती है, दीज आर द 4 बेसिक प्रॉब्लम्स अगर देखी जाए योग आकर की, तो इनके आगे आपको बढ़ना है, ये एक रिमाइंडर की तरह कार्य करता है। अगर आप एक हिंदू संस्कृति में, एक अच्छी बात यह है कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई एनोटेशन दिया गया है, इवन आप धूप को भी यूज़ करेंगे पूजा में, धूप भी यूज़ होती है, गाय का गोबर भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं,
कई सारी रस्में, कई सारी चीज़ें, एक ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी के रूप में बनाया गया। हर एक चीज़ आपको कनेक्ट करने के लिए बनाई गई। बात यह है कि जैसे लोग समझते हैं कि रुद्राक्ष पहनने बस से ही कुछ हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपको कई सारे लोग मैजिक दिखा रहे हैं, रुद्राक्ष नीचे एक सिक्का रख के ऊपर एक सिक्का रख के फिर रुद्राक्ष घुमा रहे हैं, व्हाट अबाउट द ट्रिक गिमिक्स एंड इन दिस शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाला जो कल्चर चला हुआ है टिकटॉक या कल्चर, तो भाई आपको जादू दिखाना और चमत्कार इन सब के भरोसे रहोगे? सीधी बात है यार, आप चमत्कार के भरोसे कब तक रहोगे यार? आपको खुद साधना करनी होगी। सबसे बड़ा यंत्र तो आप खुद ही हो, बाहर के यंत्र और ये चीज़ें सहायक हो सकते हैं आपकी आगे की जर्नी में, तो आपको आपकी आगे की जर्नी खुद ही तय करनी होगी। ये सब चीज़ें केवल सहायक होंगी और आप इन सहायकों के मत्थे नहीं हो सकते, आपको आगे बढ़ना होगा। खुद साधना करिए और ये चीज़ें एडिशनल हैं, एडिशनल तभी अपना इसमें भी दिखाएगा। मतलब कोई बुरी चीज़ भी होनी होगी आपके उसमें, आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग लाइक पीपल से, बट द मोस्ट इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके कर्म का होता है। एटलीस्ट आपको अपने कर्म पर बिलीव करना चाहिए और आप कर्म करिए, साधना करिए, बिना साधना के आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी रुद्राक्ष एक रिमाइंडर की तरह है और अच्छी बात है रुद्राक्ष धारण करना, और आजकल बहुत ज़्यादा दिखावे के रूप में यूज़ हो रहा है, तो आई डोंट सपोर्ट दैट कि आप केवल दिखावे के रूप में यूज़ करें। बाकी इसके एक और अच्छे यूज़ है कि मैं यहाँ पे माइक्रोफोन बसा सकता हूँ, दैट्स अनदर साइड यूज़ यू कैन से। एनीवे, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड यू कैन लाइक शेयर सपोर्ट इज ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, योगेश्वराय महादेवाय। तो अंत में हम कहना चाहेंगे, मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन। ओम नमः शिवाय।